अब मैं निवेदन, शांति रखें भाई लोग, अब मैं निवेदन करूंगा हम सबकी सांसद और इस कन्नौज लोकसभा से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव जी से कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, श्री दिनेश यादव वर्मा जी, श्री विनोद यादव जी, अमर सिंह जाटव जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, योगेश दिवाकर जी, पूजा पाल जी, मंच में जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के नेतागण जो उपस्थित हैं, छोटे मंच में हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्तागण, सभी नौजवान साथी, सभी आदरणीय हमारे बुजुर्ग, सभी किसान भाई, सभी माताएं बहनें, नौजवान साथी, हमारे पत्रकार बंधुओं, हम सभी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है 19 तारीख को, और मेरा मानना है कि यह लोकसभा का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि यह चुनाव आने वाले देश की दिशा को तय करने का चुनाव है, देश के वातावरण को तय करने का चुनाव है, और आपके बच्चों के भविष्य को की दिशा भी देने का यह चुनाव है। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे पूजा पाल जी ने कहा था अभी, कि विधुना की जनता बहुत भाग्यशाली है कि मैं उनकी यहाँ पे प्रत्याशी हूँ, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे एक बार मौका दिया है फिर से चुनाव लड़ने का और आपके बीच में आने का, तो मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इस क्षेत्र का विकास हम समाजवादियों का काम है, और हमने हमेशा क्षेत्र के विकास के बारे में ही सोचा है, और आने वाले समय में भी इस क्षेत्र में विकास को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसी बिंदु पे काम किया जाएगा। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मैं समझती हूँ विकास के क्षेत्र में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए गए जो पिछले 70 सालों में और भाजपा की 7 साल की सरकार, डबल इंजन वाली सरकार, तो 7 साल की सरकार हुई कि नहीं हुई, तो इन 7 सालों में जो काम कोई नहीं कर पाया है, मैं समझती हूँ जब समाजवादी सरकार को मौका मिला था तो हमने वह काम करके दिखाने का काम किया है। चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हो, हम लोगों ने 55 लाख महिलाओं को पेंशन बांटी, मैं समझती हूँ 6,000 रुपये साल के और 500 महीना प्रति माह, और आने वाले समय में, क्योंकि गठबंधन की सरकार हमें पूरा भरोसा है बनने जा रही है, तो जब गठबंधन की सरकार हमारी केंद्र बनेगी तो हम लोग 3,000 प्रति माह महिलाओं को पेंशन देने का काम करेंगे। इसी के साथ गर्भवती महिलाओं को खाना खिलाने का भी काम करेंगे, और मिड डे मील में दूध और फल उपलब्ध कैसे कराया जाए बच्चों को, इस पे भी काम करेंगे, क्योंकि समाजवादी सरकार ने करके दिखाया है और अब केंद्र की सरकार से हम ये काम आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। और मेरा मानना है कि आज गठबंधन को लेके बहुत प्रश्न, बहुत गालियां दी जा रही है, सांप और छिछुंदर का गठबंधन कोई कह रहा है कि शराब है ये, तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये गठबंधन किसानों का गठबंधन है, मजदूरों का गठबंधन है, और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का गठबंधन है, बहनों का गठबंधन है, हमारे पिछड़ों का, दलितों का, और सबका गठबंधन है, और ये बहुत मजबूत गठबंधन है, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि विपक्षी दलों में बौखलाहट दिखने को मिल रही है। मेरा ये मानना है कि क्योंकि 5 साल केंद्र और 2 साल राज्य की सरकार के हो गए हैं, तो इनका रिपोर्ट कार्ड का टाइम आ गया है, तो मैं आपसे प्रश्न करूंगी और आपको जवाब देना है कि ये रोजगार देने में पास हुए हैं कि फेल हुए हैं, ये महिलाओं को सुरक्षा देने में और उनको आगे बढ़ाने में पास हुए हैं कि फेल हुए हैं, ये किसानों के मुद्दे में, किसानों की पीड़ा में पास हुए हैं कि फेल हुए हैं, ये हमारे मजदूर
भाइयों को और बहनों को नौकरी देने में पास हुए हैं कि फेल हुए हैं। ये नोटबंदी के माध्यम से हमारे व्यापारी भाइयों को नुकसान पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है? साथ ही कहा था कि नोटबंदी करेंगे तो आतंकवाद कम हो जाएगा, नक्सलवाद कम हो जाएगा, और साथ में कहा था कि काला धन भी खत्म हो जाएगा और विदेशों से काला धन भी वापस लेकर आएंगे। तो इन तीन चारों चीजों में क्या इस चीजों में वो पास हुए हैं कि फेल हुए हैं? मैं समझती हूँ अपने सभी कार्यों में फेल हुए हैं, और अब जो हमारी सेना है, जो हमारी सेना है जिसपे हमें बहुत जिसमें हम बहुत अपने आप को प्राउड फील करते हैं, जिसपे हम बहुत सम्मान उनको देते हैं, तो मेरा यह मानना है कि इन्होंने हमारे जवानों को हमारे शहीदों की शहादत का भी इस्तेमाल चुनावों में करने की पूर्ण कोशिश की है, और इनको सबक सुनाने का ये सही समय है, क्योंकि आज भी पुलवामा की घटना के बाद रोज हमारा एक जवान सरहदों में शहीद हो रहा है, रोज लोग नक्सलवाद की वजह से मारे जा रहे हैं, और भ्रष्टाचार का तो कोई सीमा ही नहीं है। मैं समझती हूँ भ्रष्टाचार से सभी आप लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अब यह समय एकदम ऐसा समय आ गया है जिससे अब गठबंधन की ताकत तो है ही, अब मैं गठबंधन की प्रत्याशी हूँ, समाजवादी और बसपा की प्रत्याशी हूँ कि नहीं हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली 29 तारीख को आप एक एक वोट समाजवादी पार्टी को देंगे और मुझे यहाँ से चांसलर फिर चुनने का मौका देंगे। और यह चुनाव मैंने शुरू में भी कहा है, मैं अब फिर से कहती हूँ, देश की ओर दिशा देने वाला चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है, आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप समाजवादी पार्टी को भारी से भारी मतों को जिताएंगे। और मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ, और आप सभी को बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप इतनी गर्मी में आज यहाँ पे इतनी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम।